वेलकम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज ना सीन कुछ ऐसा था ना, हमने एडिटिंग कर रहे थे ना, तो मैं गूगल पे वैसे कुछ सर्चिंग कर रहा, मुझे एक डिश नजर आई। मैंने कहा भाई यार तो ये ट्राई करना पड़ती, मैं आप लोग को डिश चेक करवाता हूँ। ये चेक करो भाई, डिश है हमारी जी टैकोज है, ये मेक्सिकन एक डिश है, ठीक हो गया। अच्छा डिश क्या क्या, ये आपकी होती है मतलब चिकन वगैरह होगी डिफरेंट उसमें होती है, लेकिन हम पाकिस्तानी हम आलू भी बनाएंगे। चलते हैं अपने किचन की तरफ, तो बनाते हैं फिर चलते हैं भाई। चलो 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 आ, तुम्हारा भाई बनने लगे शेफ ऐसे। चलो ये हमारी चीजें हमने रेडी करके रखी हैं। सबसे पहले ये हमारा भाई, ये चेक करो हमारा स्नो, हमारा एक ही पैर तो होता है बेचारी, कोई बची शची नहीं, वो हम लाएंगे। लेकिन चलो अभी हम अपने, अच्छा जी इसमें हमने आलू शालू रखे हैं, मसाले वगैरह हो गए ठीक। मैशिंग हमारी होगी है, इसमें आपने ना मसाले डालने हैं। सबसे पहले हमने इसमें डाल दी है लाल मिर्च, ठीक है। इसके अलावा आपने जो सी भी आप चाहते ना वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमने डालना होता है इसमें जी, वो होता है नमक। ये हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम ज्यादा खाते नहीं है। अच्छा इसके बाद आपका आ जाता है जी ब्लैक पेपर, यानी जो पेपर आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, मजा आता होगा दिल पे मुझे ना। अच्छा ये हमारा डाल दिया इसके अंदर ब्लैक पेपर, इसको आपने अच्छे से सारा मिक्स करके, अच्छा इसके अंदर ना आप चिकन वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी आप चाहते हैं वो आप मिक्स कर सकते हैं। चुप कर रहे, अच्छा ये आपने डाल दी। अच्छा जी इसके बाद दूसरी चीज आती वो है हमारी जी रोटी। अब रोटी आपने आटे की नहीं बनानी, ये जो मैदा होता है उससे आपने वो सारा गूंद के उसकी रोटियां आपने बनानी। और दूसरा आपने काम जो करना है ना वो ये है कि इसको रोटियों को पहले आपने बनाना है, उसके बाद अंदर फिलिंग होगी, उसके बाद फिर फ्राई होंगे। अभी रोटियां बनाते हैं। चलो भाई चलो भाई, रोटियाँ छुपा दी गई हैं, ये चलो भैया। अभी रोटियां इतनी देर में डलती हैं तो बाकी हम ये मैशिंग जरा सही तरह कर लेते हैं। इसमें हम ना अपने मर्जी के ना वेजिटेबल वगैरह डाल लें तो ये कि उससे ज्यादा मजे का बनने का, भी हमारे पास वेजिटेबल अवेलेबल नहीं थे हमने का, तो भाई अभी सिंपल ही बना लेते हैं। तो ये हमारी रोटी भी बनती है, देखो भाई शेफ कैसन बहुत देखिए रोटी हमारी, ये हमारी हो गई हो जाएगा। अच्छा ये चेक करें भाई हमारी रोटी छोटी तैयार हो गई है। ये भाई सबसे पहले हम रोटी का साइज चेक किए, अब ये कोई अच्छा शेफ हो वही बना सकता है, ये सारे ही बना सकते हैं। ये हमारी रोटी बन गई है, चलो ये हम यहाँ पे रखते हैं और ये आ गए यहाँ पे। अच्छा जी अब दूसरा आपने काम क्या करना है, इसके ऊपर आप चीज़ होगी वो रख सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास अगर केचप है मेयोनीज है वो आपकी मर्जी होती है। हमारे पास भी केचप अवेलेबल है तो हम ऐसा करते हैं केचप वगैरह लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो नीचे आपने पहले सारी करके ना जो आपने इसके ऊपर लगाने पेस्ट वगैरह वो लगाने, उसके बाद हमने फिलिंग करनी है। ये हमारा डालते हैं हम इसके ऊपर केचप, ये डाल के हमारा केचप। ये हमारी आ गई स्पून, ठीक है जी। ये हमारी आ गई, केचप लगाना लाजमी हो आपने लाजमी लगाना है क्योंकि इससे जायका ज़रा हैवी किस्म का होता है। ये हमारे डाल गए रही सा, क्या क्या फीलिंग हो गई है। अब हमने डालने हैं इस पे आलू, आलू के चलो मियां कहां दे सब्जी ही तो। अब ये हो जाएगा हमारा बंद, हो गया बंद। ओ सही तस्वीर है, गूगल पे लग रहा है ना, देखिए। अच्छा जी अब इनको टाइम आ गया जी फ्राई करने का, बंद हो जा। अब हम डालते हैं इसके ऊपर ऑयल, हमारा डाल के पैसे बचाओ पैसे बचाओ। अच्छा ये कल थोड़ा गर्म होने देते हैं हम लोग, पहले हमारा गर्म हो गया, अभी ये ऊपर रखते हैं हमारे टैकोस।
हाँ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, वो पीछे हो गए। कड़ कड़ की आवाज आ रही है, इसका मतलब है शेफ है, शेफ पर है। कड़ कड़ की आवाज आ रही है। ओके साडा अंब बाहर आ गया, बाहर निकाल दो। अच्छा ये सब तक आपने फ्राई करने, जब तक ये फुल हैवी किस्म की क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक आपने ये फ्राई करते रहना। कैसे रखना है इसको, थोड़ा फ्राई होने देते ताकि क्रिस्पी हो जाए सही तरह। अरे ये आपकी मर्जी है, आपने ज्यादा ऑयली बनाना है या नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो वो भी ठीक है, अगर आप सादी रोटी बना के उसमें भी डाल रहे हो वो भी ठीक रहेगा। ये आ गए जी हमारे। अच्छा ये अब हम बनाते हैं जी दूसरे वाला। हमारा भाई जो है ना इस दुनिया का मास्टर शेफ है, ये चेक किए है। ओ पीछे हो गए, वो असल में ना काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ तो सोया थोड़ा ओ ये हो गया। एक कैमरा मैन कट कर दो, कैमरा मैन कट कर दो, शेफ का नाम खराब हो रहा है। ये जरा हमने मोटा करके बनाया, सोया थोड़ा खुल गया है, गलत नहीं समझना। अब ये जिस जिसको चेक करना है ना ठीक है जी, वो नीचे कमेंट में अपना एड्रेस दे दे, उसके जाना पार्सल ये करवा देंगे ठीक है ना। ये हमारा ही बन गया पराठा। अरे नेक्स्ट टाइम ना हम लोग इसमें सब्जी वगैरह चिकन वगैरह ट्राई करते हैं, वो भी देखेंगे कैसा होगा। ओके जी तो ये हमारा हो गया जी, पिछले वाला भी तैयार, इसको घूम रहे थे। ये चेक करो जी रेडी हो चुके हैं। अच्छा ये मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, आप किसी एक्सपेंसिव होटल में काम करते हैं ना, अब चीज़ ये आपकी 150 की है लेकिन आपने ऐसे केचप ऐसे थोड़ा सा फेंकने इधर उधर ऐसे रख के, अभी डिश कितने की होगी जी 15,000 की ठीक हो गया जी। अब जी इसको चाहिए पैसे, इजी पैसा नंबर मैंने नीचे बायो में दे दिए, वहाँ पे इजी पैसा करें, पैसे पर मैं आपके डाल दी जो आ गई। अभी हम चेक करते हैं जी, चिकन वगैरह सब्जी वगैरह डालना तो बहुत मजा आएगा, लेकिन बहुत हैवी बने। आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नई वीडियो के साथ आएंगे और नया शोर मेला लाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हम आगे क्या चीज बनाएं या किस तरह के चैलेंज आपको चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़। अच्छा जी अगली वीडियो में हम इस बेचारे का भी कुछ करेंगे, बेचारा कब से अकेला बैठा हुआ हमारा, सुनो इसके लिए हम सुनो ही लाएंगे ठीक है ना भाई। अभी मैं तो तस्वीरें दिखाता हूँ, बताओ कौन सी वाली हैं ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम लाएंगे।